मिशन वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की तैयारी जोरों पर है। रोहित की अगुवाई में भारत ने साल का दमदार आगाज किया है। पहले श्रीलंकाई टीम को रोहित ब्रिगेड ने रौंदा और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत ने अच्छी शुरुआत की है। लेकिन इस साल वर्ल्ड कप के अलावा हिंदुस्तान के सामने एशिया की खोई हुई बादशाहत दोबारा हासिल करने की भी एक बड़ी चुनौती होगी। पिछली बार T20 फॉर्मेट में श्रीलंका ने भारत से एशियन चैंपियंस का तमगा छीनकर एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन इस दफा वर्ल्ड कप के लिए ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। एशिया कप जीतकर भारत बुलंद हौसलों के साथ वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर सकती है। इसके अलावा एशिया कप कहीं न कहीं वर्ल्ड कप का ट्रेलर भी हो सकता है। कौन से नाम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलते नजर आएंगे तो वहीं किसका सपना अधूरा रह जाएगा, इसकी तस्वीर एशियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी टूर्नामेंट से ही साफ हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं किन 15 नामों पर एशिया की जंग जीतने का रहेगा दारोमदार। भारतीय क्रिकेट टीम को इस साल वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में जोर आजमाइश करनी है। एशिया कप के 16वें एडिशन में इस बार 50 ओवर के फॉर्मेट में मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें एशियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें मौजूद होंगी। वर्ल्ड कप के मद्देनजर इसे सभी टीमों के लिए एक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक एशिया कप की मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान के पास है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है। कुछ खबरों के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप 2023 को पाकिस्तान से यूएई की तरफ शिफ्ट कर सकता है। वहीं इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने की संभावित तारीख 2 सितंबर तय की गई है। आपको बता दें, पिछले साल T20 फॉर्मेट में खेला गया एशिया कप भारत के लिए एक बड़ा फेलियर रहा था, जहां रोहित एंड कंपनी फाइनल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन 50 ओवर के फॉर्मेट में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमों से भारत का दबदबा ज्यादा रहा है। खेल के इस फॉर्मेट में टीम इंडिया हमेशा से एक मजबूत साइड रही है और वर्ल्ड कप में जाने से पहले टीम इंडिया एशिया कप को जीतने के लिए प्रबल दावेदार के रूप में एंट्री करेगी। वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भारत के पास ये आखिरी मौका रहेगा और ऐसे में इस टूर्नामेंट में किया गया प्रदर्शन रोहित ब्रिगेड के लिए वर्ल्ड कप की पिक्चर साफ कर सकता है। फिलहाल वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 20 से 25 नामों को शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है, लेकिन एशिया कप में चुने जाने वाली स्क्वाड ही वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, ये भी लगभग साफ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर एशिया कप में चुने जाने वाले प्रोबेबल खिलाड़ियों की सूची पर नजर डालें तो फिलहाल ओपनिंग पोजीशन के लिए भारत के 3 दोहरे शतक वीर यानी रोहित, गिल और ईशान किशन की तिकड़ी एशिया कप के स्क्वाड में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि ईशान को एक बैकअप ओपनर के अलावा बैकअप विकेट कीपर के रूप में भी प्राथमिकता मिल सकती है। वहीं इस टीम में किंग कोहली, श्रेयस अय्यर और उपकप्तान हार्दिक पांड्या का खेलना पक्का है। ये 3 भारतीय टीम के मध्य क्रम की बागडोर संभालते नजर आएंगे। तीनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और एशिया कप जैसे बड़े मंच पर इनके होने से टीम इंडिया की ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। वहीं पर स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी तब तक अपनी फिटनेस हासिल कर लेंगे और अपने हरफन मौला खेल से भारतीय टीम के स्क्वाड को बैलेंस देंगे। वहीं वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जैसे ऑलराउंडर्स को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की वापसी से भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी का मसला हल हो सकता है। बुमराह और सिराज की जोड़ी अपने दिन पर विपक्षी टीम को ढेर करने का मादा रखती है। वहीं पर उमरान मलिक की रफ्तार बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट का दारोमदार कुलचा यानी कुलदीप और चहल की जोड़ी पर होगा और ये दोनों अपने फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसाते नजर आएंगे। हालिया एशिया कप के 15 मेंबर्स स्क्वाड में T20 स्पेशलिस्ट सूर्य कुमार यादव और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम भी मौजूद होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में शायद ही इनमें से कोई भी नाम अपनी जगह बनाता हुआ नजर आएगा। वैसे दोस्तों, आपके मुताबिक इन सभी के अलावा एशिया कप में किसे मौका मिलना चाहिए, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।